नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्क्वायर रूट एकेडमी में। जैसा कि आपने देखा था कि ये क्वेश्चन नंबर 27 जो कि CSIR दिसंबर 2018 बुकलेट कोड ए में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्ड में एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 14 मिनट लग गए थे। लेकिन अच्छे से उसको हमने सॉल्व करा था, और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो एक तो तरीका हो गया था कि वो अंडरस्टैंडिंग करने का कि क्वेश्चंस को किस तरीके से समझना है, लेकिन यहाँ पर उसी क्वेश्चन को आज मैं फिर से सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि उसी क्वेश्चन को आप बहुत ही कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ ना करके आपको बेसिक दो कॉन्सेप्ट्स, एक तो आपको ये पता हो कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और दूसरा चीज़ आपको पता हो कि ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या होता है, कि कोई दो सेट ऑर्थोगोनल है। अगर ये दो चीज़ें आपको पता हैं तो इस क्वेश्चन को देखना आप कि हम कितना ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक R3 वेक्टर स्पेस दे रखा है, उसके दो सब स्पेसेस दे रखे हैं, एक W1 और एक W2। जैसा कि आप देख सकते हैं ये W1 है और ये W2 है। उसके बाद W एक नया सब स्पेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है R3 का, किस तरीके से, ये दो कंडीशंस, पहली और दूसरी कंडीशंस की हेल्प से। फिर पूछ रहा है कि इनमें से आउट ऑफ फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन W जो होगा वो सेट होगा, जो W सब स्पेस होगा R3 का वो कौन सा सेट होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर कौन सा होगा। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखें तो ये बोल रहा है कि जो W होगा इनमें से, तो पहली कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये बोल रहा है कि W इंटरसेक्शन W2 इज स्पैन ऑफ 0 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि W इंटरसेक्शन W2 जो सेट है वो किससे जनरेट हो रहा है, 0 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर जो है 0 1 1 ये बेसिस वेक्टर है किसका, इस सेट का। और अगर ये बेसिस वेक्टर है, साथ में इसके ये भी बोल रहा है कि W इंटरसेक्शन W2 है, इसका मतलब W में ये वेक्टर है और W2 में भी ये वेक्टर है, यानी कि ये वेक्टर दोनों में है, W में भी है और W2 में भी है। तो इसका मतलब 0 1 1 W में तो पक्का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप उन ऑप्शंस को कट कर सकते हो जिनमें 0 1 1 नहीं है। तो पहले ऑप्शन में 0 1 1 है, यानी कि इसके चांस हैं, ये W बन सकता है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखो 0 1 1 वेक्टर नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरे में देखो 0 1 1 है, यानी कि इसके भी चांस हैं, ये भी W बन सकता है। फोर्थ में देखो 0 1 1 नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला भी नहीं हो सकता। एक बार फिर से बता देता हूँ कि पहला, सॉरी, फोर्थ और सेकंड ऑप्शन क्यों डिस्कार्ड कर दिया हमने, क्योंकि ये पहली कंडीशन ये बोला है कि W इंटरसेक्शन W2 इज दिस वेक्टर, स्पैन ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर इनके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब ये वेक्टर जो है 0 1 1 वो W1 W में पक्का होगा, और W में अगर होगा तो फिर वो ऑप्शन सही नहीं होंगे जिसमें ये वेक्टर नहीं होगा। तो उन ऑप्शंस को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि W इंटरसेक्शन W1 ये जो भी सेट होगा, ये जो भी सेट होगा वो परपेंडिकुलर है किस पे, W इंटरसेक्शन W2 पे। और W इंटरसेक्शन W2 है क्या, ये, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये वाला जो सेट है परपेंडिकुलर होगा इसके बेसिस वेक्टर पर। बेसिस वेक्टर यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 1 1। तो ये इस पर ऐसा कौन सा वेक्टर यहाँ पर रखें जो परपेंडिकुलर हो जाए। तो अब देखो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से बचे, पहला बचा, तीसरा। तो पहले में एक तो ये वेक्टर है, एक ये है, और तीसरे में एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, जहाँ पर कि ये और ये वाला वेक्टर कॉमन है। तो ऐसा हो सकता है कि W इंटरसेक्शन W1 में जो भी वेक्टर आएगा वो पक्का W का भी वेक्टर होगा। तो W का अगर वेक्टर है, तो सपोज थोड़ी देर के लिए W का ये वाला वेक्टर आया 0 1 1, तो यहाँ पर आप 0 1 1 अगर रखोगे, 0 1 1, तो आप देखो ये दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है, क्या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, नहीं है। तो फिर ये वेक्टर काम नहीं करेगा जो कि ऑलरेडी W में था, लेकिन वो W इंटरसेक्शन W1 में नहीं आएगा। अच्छा, अब ये चीज़ चेक कर सकते हैं, क्या ये वाला वेक्टर W इंटरसेक्शन W1 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख के देखो 1 0 -1, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, आप देखो टपल वाइज इनर प्रोडक्ट कैसा दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल इनर प्रोडक्ट। यूजुअल इनर प्रोडक्ट का मतलब सिंपली डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करके देखो 0 + 0
माइनस वन विच इज नथिंग बट माइनस वन, तो फिर से ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये वाला भी वेक्टर ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो और ये भी नहीं आया, तो फिर कौन सा वेक्टर आएगा यहाँ पर? तो एक और बचा रह गया, ये वाला वेक्टर बचा रह गया। इसको रख के देखो, इसको यहाँ पर रख के देखो कि W इंटरसेक्शन W1 में अगर ये वेक्टर आता है, सपोज 0 1 माइनस 1, तो ये देखो ये सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 1 माइनस 1 इज 0, इसका मतलब W इंटरसेक्शन W1 में ये वेक्टर पक्का आएगा क्योंकि ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब फिर W किसको कंटेन करेगा? 0 1 माइनस 1 को कंटेन करेगा। एक वेक्टर तो हमने पहले दिखा रखा था कि ये वेक्टर इसके अंदर हो गई होगा, कौन सा? 0 1 1। तो बस ये देख रहे हो आप, W आ गया, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको केवल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था और जितना अच्छे से सोच सकते थे उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ, ठीक है। इवन इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में भी सॉल्व कर रखा है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं बस ये बता रहा हूँ कि उसी क्वेश्चन को हम कितना कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इवन ये क्वेश्चन आई थिंक बी पार्ट में पूछा गया है, तो आई थिंक वो लोग यही चाह रहे थे कि हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करें, ना कि डिटेल्ड में, क्योंकि वहाँ पर हमें टाइम बचाना होता है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।